देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में चौतरफा हाहाकार है और जनवरी 2024 की यह दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आज की दर्ज की गई है। उसका रीजन मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जी न्यूज और सोनी के मर्जर की डिक्लाइंस की वजह से और बैंक निफ्टी के सेक्टर का जो कि एक अहम सेक्टर है उसमें कमजोर स्थिति की होने की वजह से आज की गिरावट हुई है। और उसके बाद में आज देखते हैं कि लार्ज कैप का क्या हाल है, मिड कैप का क्या हाल है और स्मॉल कैप का क्या हाल है। उसके बाद में हम ये देखते हैं वर्ल्ड की सिनेरियोज क्या क्या है, उस पर भी चर्चा करते हैं और उसके बाद में फिर देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि हमें लमसम के कॉल को लेने की आवश्यकता है या नहीं है। एक्चुअली बात क्या हो रही है कि गिरावट कितनी भी हो आपको अपने SIP को बंद नहीं करना है, पैनिक में नहीं आना, मैं सबसे पहले ये बता दूं। और अपने लमसम के लिए आपको देखते हैं अभी सिनेरियोज क्या चल रही है, उसके बाद में आपको बताते हैं अंतिम में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्केट में गिरावट का सबसे मेन रीजन आज जी न्यूज और सोनी का जो मर्जर का चल रहा था, 2021 से की टॉप चल रही थी उसकी वजह से आज की मार्केट गिरी है। बैंकिंग सेक्टर में जान नहीं थी, मतलब उसमें जो घाव लगा हुआ था उस पर थोड़ा सा मरहम एक दिन लगा था, बट वो मरहम काम नहीं आया, आज बैंकिंग सेक्टर भी टूटा है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि चौतरफा बिकवाली इसलिए हावी है कि काफी हाई लेवल पे अपनी मार्केट है। और एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि आज के टाइम पर इंडियन मार्केट जो है ना वर्ल्ड की तीसरे नंबर की मार्केट बन गई है। पहले नंबर पर US की मार्केट है, दूसरे नंबर पर चाइना की मार्केट है, तीसरे नंबर पर हांगकांग की मार्केट को पछाड़ करके इंडियन मार्केट आज के टाइम पर तीसरे नंबर की मार्केट है। ये बात आप नोट कर लें। इसका सबसे बड़ा रीजन और कोई भी नहीं है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेंट्स या उनकी भागीदारी बढ़ने की वजह से ये बात हुई है और जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर्स की सुरक्षा की वजह से ये हमने शुरू करना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर है कि ऐसा ना हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा हो जाए या उनमें जानकारी का अभाव हो जाए या वो पैनिक सेलिंग कर दें। 2024 ऐसा साल है जो कि कई सारी अनिश्चितताओं से भरा है, क्योंकि आप जानते हैं 2023 मार्च के बाद से जनवरी तकरीबन 15 तक मान करके चलिए कि काफी सारा अच्छा ग्रोथ हुआ है और अच्छा रिटर्न मिला है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को। बट जिन्होंने ये फाल देखी नहीं है, जिनकी समझ में बात आती नहीं है या जिनको अभी उतनी समझ नहीं है, मैं ये बोलना चाहूं आती तो है आपको समझ में, क्योंकि आप अगर समझ गए तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये सलाह बहुत ही जरूरी है कि आपने क्या करना है, क्योंकि एक छोटा सा उठाया गया गलत कदम आपके कार्पस को भी, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने से भी रोक सकता है। आइए हम देखते हैं आज हमारे डिफरेंस सेक्टर्स में गिरावट कितनी हुई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लार्ज कैप में टोटल जो गिरावट हुई है जनवरी महीने में वो 4% की हुई है और स्मॉल कैप में आपकी 3.7% की गिरावट हुई है। वहीं मिड कैप में तकरीबन 3% के आसपास की गिरावट है। तो 4-3-3 इसको मान लीजिए, इतनी गिरावट है जिसकी वजह से हम अभी आपको लमसम की कॉल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लमसम एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपने अपने पास अपना पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को आपको लमसम को इन्वेस्ट करने के लिए काफी सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा हैवी अमाउंट नहीं है। SIP से जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा चलता रहना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है कि आप SIP में अप में भी खरीदते हैं, डाउन में भी खरीदते हैं, तो आपका रुपीज कैश क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। दूसरा, जो सिनेरियोज वर्ल्ड के दिखाई दे रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चीज है। इन्फ्लेशन आज के टाइम पर अक्टूबर के बाद में अभी हायर स्थिति में है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भी महंगा हो सकता है, आप नोट कर लीजिए। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो यह गिरावट कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, थोड़ा सा ग्रीनरी आएगी, बट आप ये बोलें कि आप अभी उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी मैं बात आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी साल की जर्नी है मेरी, कि आपको इन्वेस्टमेंट का लमसम का मौका मार्केट पक्का देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोग जल्दीबाजी एक तो नहीं करेंगे, दूसरा निफ्टी में आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 21,400 के आसपास में आपका रेजिस्टेंस बन रहा है,
उससे ऊपर जाने के लिए, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए अभी निफ्टी को जोर लगाना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर जाता है, मार्केट जाती है, तो आप ये समझिए कि फिर उसके बाद में आपको एक रैली दिखाई देगी। बट अगर नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने बोला था कि जिस तरफ चोट लगती है मूवमेंट उसी तरफ शुरू होता है, तो आपका अगला जो सपोर्ट है वो 21,000 पर है। अगर 21,000 को ब्रेक करता है तो आपको 20,800 का लेवल दिखाई देगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो अभी आपको इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है कि आपको लम सम करने की सलाह दी जाए। अब कई लोगों को जो कि जल्दीबाजी में चाह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा गेन कर लूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों मार्केट में। अगर आप राइट टाइम पर एंटर कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट उनसे ज़्यादा मिलेगा जो कि आज के टाइम पर जल्दीबाजी में इन्वेस्ट कर देंगे। क्लियर है आपको? तो आपको जरूर ये समझाया जाएगा कि हाँ, अगर ये सारी सिनेरियोज जिस प्रकार से चल, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है ही है, इंडिया में इलेक्शन है, इन्फ्लेशन आपका हावी है, अभी आपकी आरबीआई की 8 फरवरी को ये आनी बाकी है, जनवरी लास्ट महीने में फेड की मीटिंग होनी बाकी है, तो वहां की जो मिमिक्री आएगी फेड वाली, फेड के चीफ की, तो वहां से क्या होगा, कई सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे। दूसरा मैंने बताया था, दूसरा जो आपका बैरोमीटर है क्रिप्टो वाला, वो बैरोमीटर आपका क्रिप्टो असेस्ट भी डाउन चल रहा है, तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा सिनेरियो नहीं हो रहा है कि अगर 40,000 के आसपास, 45-46 पर जा करके आपकी बिटकॉइन अगर 40,000 के आसपास आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लमसम डालने के लिए कई चीज़ों को, सिनेरियोज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर वही होगा कि आपका XIRR जो है ना उतना नहीं दिखाई देगा। अगर आपने फंड मैनेजर पर ही छोड़ दिया तो NAV को आपने नहीं देखा तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि SIP आपकी कंटिन्यू चल रही है, उसमें आपको कोई टेंशन ही नहीं, जो आपने कर दिया है उसको चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको जिनको प्रॉफिट लेना था उन्होंने वहां वहां पर ले लिया है। बट आज के टाइम पर जो सिनेरियो, आप सोच समझ कर चलिए, इसीलिए आपको लमसम की कॉल नहीं दी जा रही है। जिस दिन भी आपको ये मौका आएगा, डेफिनेट है आपको कॉल दी जाएगी और कई बार दी गई है। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, 28 फरवरी को मैंने कॉल दिया था और उस दिन के इन्वेस्टमेंट के बाद में, उसके बाद में मार्च से शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है, जब आपकी कंटिन्यूस टूटती है मार्केट तो 2-4 दिन चलती है, हरी में करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शाम को नहीं तो सवेरे आपको बता दिया जाएगा, यस दोस्तों आपका अभी टाइम है, जो आपको लेना है इतने परसेंट आप एलोकेट कर दो, उतने पर आप कर दिए आपका अच्छा खासा। अभी आप मान लिया आज के टाइम पर कर दियो, 4% और टूटी तो सिनेरियो जैसे बन रहे हैं कि 1-2% और अभी नीचे जाएगी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, तब देखते हैं फिर। और नहीं तो कहीं मार्केट नहीं भागी जा रही है, ना ही आप कहीं भागे जा रहे हो, सीधी सी बात है। ज्यादा आप यहां पर किस लिए आए हो? ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आए हो, तभी तो आए हो, नहीं तो आप अपना मतलब फिक्स डिपॉजिट करते आप उसके बाद में जाते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बेट एंड वॉच करना है, यही स्थिति आपको फॉलो करनी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 5 साल में जो हांगकांग की मार्केट कर रहा हूं ना, हैंगसेंग इंडेक्स आप देखिएगा 44% 5 साल में टूट गया है, 1 साल में देखिएगा वो 50% टूट गया है। तो कई सारे सिनेरियोज को देखते हुए तब आपको कॉल वगैरह दी जाती है कि आपको ये किया जाता है। FIIH की सेलिंग 24,000 करोड़ रुपए की जनवरी महीने में सबसे बड़ी सेलिंग है FIIH की। आप बात को समझिए, आपको ऐसे नहीं बोला जा, अभी इतनी सारी समझ आपको आने के लिए काफी सारी आपको स्टडी करनी पड़ी, काफी सारा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से अभी आम इन्वेस्टर्स के पास नहीं है। और इसी वजह से आम इन्वेस्टर जब अपनी चला देता है या कहीं किसी की सुनी सुनाई बात को, घिसी पिटी राय को देख करके उसके बाद में वो ले लेता है, तो वहीं पर ही उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वहीं पर क्या हो जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने में ज्यादा टाइम लेना पड़ जाता है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो, जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।